दिन दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे 2022, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे एक छोटी राइड के साथ। मैं इस वक्त भी निकल रहा हूँ मुबारकपुर चौक के लिए, ये रोहिणी के पास में पड़ता है। उसके बाद हमारी जो राइड स्टार्ट होगी वो मुबारकपुर चौक से करनाल वार मेमोरियल, ये बेसिकली हरियाणा में करनाल पड़ता है। एक वार मेमोरियल स्कूल है, वो बेसिकली उनके लिए है जो हमारे भाई सोल्जर भाई कारगिल में शहीद हुए थे, तो वो पूरा का पूरा मेमोरियल स्कूल, वार मेमोरियल स्कूल उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो राइडिंग के लिए सबकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये फ्लैग ले लिया है टोटा में लगाने के लिए, नीचे टोटा खड़ी है, वॉश करा लिया था, पॉलिश करा लिया था कल ही उसका। तो चलिए फिर राइड में मिलते हैं, इंजॉय कीजिएगा इस राइड को। तो मैं इस वक्त अभी मुबारकपुर में पहुँच चुका हूँ, मुबारकपुर चौक दिल्ली में। अभी हमारी राइड बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है, ये राइडर्स आ रहे हैं, कुछ आना बाकी हैं अभी, तो कुछ ही देर में बस फ्लैग ऑफ होने वाला है। आगे की राइड में आपको वहाँ पर पहुँच के दिखाता हूँ, चलिए फिर देखते रहिए। वंदे मातरम। आज सबको पता है कि हम किस लिए यहाँ पे गैदर हुए हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं, क्या मकसद है। मैं एक बार ब्रीफली सारी चीज़ें ब्रीफ कर देता हूँ, यहाँ से चल के क्या रूट रहेगा और क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गाड़ी हमारे साथ एक चल रही है, तो वो गाड़ी या तो सबसे आगे चलेगी या सबसे एंड में चलेगी, पैरेलल नहीं चलेगी। क्योंकि पैरेलल चलने में दिक्कत आएगी कि ट्रैफिक अगर हाईवे पे है तो थोड़ा टेंशन हो जाएगा, और जाते हुए अगर आप लोग बोलोगे तो ब्रेक लेंगे, नहीं बोलोगे तो ब्रेक नहीं लेंगे। और लॉन्ग राइड्स पे किस किस ने पहले राइड किया हुआ है, एटलीस्ट 200-250 किलोमीटर की जो बाइक से सभी ने राइड करा हुआ है, तो आप लोग डिसाइड कर दो, बता दो कि हमें आगे रुकना है, चाय के लिए रुकने की जरूरत पड़ेगी या चलते रहें। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पहले बात जान लो, ठीक है? ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 10 बोलेंगे एक बोलेगा तो नहीं रुकेंगे, अगर आधा ही बोलेगा कोई बोलेगा तो हम रुकेंगे, आज के दिन हम सब फर्स्ट टाइम ही राइड कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू राइड, ऑलवेज कंसीडर दैट राइड एज योर फर्स्ट राइड एंड यू आर गोइंग टू लर्न ऑन दैट राइड। इसी एटीट्यूड के साथ अगर आप चलेंगे तो आप सेफ रहेंगे राइड। आप कभी भी आप हमारे साथ राइड कर रहे हैं, किसी के साथ भी राइड कर रहे हैं, अगर आप उस राइड को अपनी पहली राइड मान के चलेंगे, ये मेरी पहली राइड है, आज मुझे राइड करना सीखना है, तो आप कभी भी एक्सीडेंट जोन के अंदर नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। वांट टू से समथिंग? यस, आपको 126 किलोमीटर का राइड है ना, तो वी कैन डू इज आफ्टर वन आवर वी कैन स्टॉप। नहीं, मैंने 70 माइल्स टोल का रखा, बात नहीं है बेस्ट है 70, क्योंकि यहां पर और पानीपत, क्योंकि ये स्ट्रेच हाई, क्योंकि ये सीधा हाईवे, सीधा नहीं है, वन आवर में सीधा नहीं है, ये सीधा नहीं है, अभी भी लेफ्ट राइट बहुत है, बॉर्डर में जाम है, बॉर्डर में कंडीशन है, यहाँ से बेसिकली पानीपत के बाद आपकी बाइक सीधा चलना शुरू होती है। जो रेगुलर राइडर्स है उनको पता है कि हम लोग करनाल जाके साइकिल देख लेते हैं, लेकिन
का टोल आप पीछे देखेंगे तो इससे जस्ट थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। यह एक छोटा सा ढाबा है, ये अभी अपने एक छोटा स्टॉप लिया है। आप ये देख रहे होंगे ये बंदाना मेरे गले में है, ये गले में इसलिए है क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस थे आप बंदाना पहनिए गले में ताकि वो पतंग का मांझे मांझे से आपका गला वाला ना करते कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इस वजह से ना। ये सारे राइडर्स हैं अभी पीछे मिले, ये सब हैं, ये कुछ एडमिन्स हैं इसके अंदर। अभी कुछ देर का स्टॉप है, उसके बाद फिर नाश्ते के बाद फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं वार मेमोरियल स्कूल, ये है वो डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना था। ये सारे राइडर्स पहुंच चुके हैं, हम जैसे देख रहे हैं यहां गाने बज रहे हैं देशभक्ति के। हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ है फूल मालाओं के साथ और ये छोटा सा काम किया जा रहा है। पहुँच चुके हैं वार मेमोरियल स्कूल, ये है, ये जितने भी सोल्जर्स थे कारगिल में शहीद होते उन्हीं की याद में बनाया गया है। यहाँ सारे राइडर इकट्ठे हो चुके हैं, आई थिंक ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा, इसके बाद हम हेड टू दिल्ली करेंगे, दिल्ली की तरफ चलेंगे इसके बाद ना।